सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। सभी सम्मानित यूट्यूब चैनल के सदस्यों का बहुत बहुत आभार और वंदन। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूँ प्रेम वाजपेयी। टूटी फूटी आवाज़ में खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, खबर आपकी, कवरेज हमारी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है पुलिस के बीच एक युवक की, ये थाना रौसा क्षेत्र इलाके की है और बेदौरा गाँव निवासी शरीफ पुत्र सोहराब की है। जैसा कि आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से देखा होगा गत दिनों कि अपने ही क्षेत्र में शरीफ पुत्र सोहराब ने एक किशोरी संग छेड़छाड़ और उससे गलत से हरकतें की थी। वहीं पर किशोरी के विरोध करने पर उसको जहरीला पदार्थ भी पिलाने का मामला प्रकाश में आया था। वहीं में हालत खराब हुई, वहीं पर किशोरी को रेवसा से चलाया गया, जहाँ से उसको जिला मुख्यालय रेफर किया गया नाजुक हालत में डॉक्टर सुनील के द्वारा। वहीं पर इलाज भी जारी है और सूचना पर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश की और आज वहीं पर अपने विभागीय आला अधिकारियों के सपनों को और सरकार के सपनों को और वहीं पर बाकायदा कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के मद्देनज़र रखते हुए आज शरीफ पुत्र सोहराब को थर्ड पहुँचा गया टीम गठित करने के बाद। वहीं पर टीम जो सफलता हासिल की है उप निरीक्षक इंद्र कुमार जीत, शमर सिंह और काफ़ी साथ में हैं, डिस्क्रिप्शन में खबर भी पढ़ सकते हैं। और आज 452 मुकदमा अपराध संख्या 413/23, 452, 354 और अन्य धाराओं में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की बड़ी कार्रवाई की गई है। वो वही तस्वीर है जो मनबर शोहदे ने, ये बेदौरा के निवासी शरीफ ने हरकत की।